हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला चैप्टर हो चुका है, वहाँ पर हमने साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को समझा था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल का विभाजन किया था और उसको अपने अपने हिसाब से नाम दिया था। अंततः किसका नाम स्वीकार किया जाता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अब सब कैटेगरीज की। आदिकालीन साहित्य की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आदिकाल नाम निश्चित हो पाया था बहुत सारी बहस के बाद सबसे पहले काल का, तो यहाँ पर इसके काल विभाजन को हमने देख लिया, नामकरण हो चुका है। अब इसकी सब कैटेगरीज पर आ जाते हैं। आदिकालीन साहित्य को तीन भागों में विभक्त किया गया है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य यानी कि वीर काव्य। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक साहित्य के बारे में, और उसके में भी आज हम बात करने वाले हैं सिद्ध साहित्य के बारे में और नाथ साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं बचेगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पर आपको कभी कभी लगेगा कि काफ़ी बोरिंग है और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में बताऊँगा कि कैसे बोरिंग चीज़ों से ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरह का क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं जो कि एग्जामिनर बनाते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन मैं केवल वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अभी आपका विकास दल अधिकारी का वाला जो एग्ज़ाम है 16 तारीख को, वो लोग बिल्कुल अगर वीडियो को मेरे देख रहे हैं तो वो लोग जरा भी चिंता नहीं करें कि नहीं खत्म होगा या फिर क्या है। मैं वो सारा मटेरियल हिंदी साहित्य वाला प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, प्लस हिंदी व्याकरण के जितने भी एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं 16 तारीख के पहले पहले, ये मेरा वादा है। ठीक है, और अभी जो ये चीज़ें चल रही हैं एकदम सीरियल वाइज आप चलने दीजिए। जैसे मुझे लगेगा कि 16 तारीख पास आ रही है और हमको वो वाला मटेरियल पहले करना चाहिए जो पूछा जाएगा, जैसे कि साहित्यकारों की रचनाएँ, साहित्यकारों का जीवन परिचय वगैरह, तो उसको हम लोग पहले कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग सिद्ध साहित्य पर आएंगे। तो सिद्ध साहित्य पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं? सिद्धों का साहित्य, जो साहित्य सिद्धों ने लिखा है वो होगा हमारा सिद्ध साहित्य। ठीक है, तो सिद्धों को समझेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो काल क्रम क्या है सिद्ध साहित्य का, ये देख लेते हैं। वैसे तो आपको बताएं तो सिद्ध साहित्य की जितनी भी चीज़ें मिल पाई हैं, जितना भी स्रोत अवेलेबल है सिद्ध साहित्य के बारे में, वो इतना इनकम्प्लीट इनकॉम्प्रिहेंसिव है कि ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल है कि कब से शुरुआत होती है और कब तक ये सिद्ध साहित्य चलता है। दूसरा कारण ये भी है अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा का। आप जानते हैं कि अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा जन्मी है। अपभ्रंश जो है वो हिंदी की आदि जननी कही जाती है, और अपभ्रंश जब और भी ज़्यादा डिस्टॉर्ट होकर हमारी अवहट्ट बनती है तो ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर हिंदी का आविर्भाव कहाँ से हो रहा है और अपभ्रंश और अवहट्ट आखिर में कब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों का यहाँ पर पता लगाना बेहद मुश्किल रहा है कि कालक्रम क्या है और एक्चुअली में सिद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। लेकिन फिर भी राहुल सांकृतायन जी ने जो अपना रिसर्च में अपना मत दिया है उसी को सब लोगों ने करेक्ट मान लिया है। आप जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई मत लेकर के आता है ऐसा ओपिनियन जिसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है, तो अंततः वही विनर होता है और वही हमको मानना पड़ता है। आवाज़ में डिस्टॉर्शन अगर आपको लग रहा है तो ये जुखाम के कारण है, इसको इग्नोर करेंगे आप। हम बात कर रहे हैं काल और भाषा के बारे में, तो राहुल सांकृतायन जी की रिसर्च को यहाँ पर हम सही मानेंगे। इनके रिसर्च के हिसाब से 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक हम मानेंगे कि सिद्ध साहित्य की रचना हुई है, सिद्ध साहित्य हमको इस कालक्रम तक देखने को मिलेगा। हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा यहाँ पर जन भाषा यूज़ हुई है। जन भाषा एक्चुअली में है क्या, इसमें अपभ्रंश और अवहट्ट भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, और रेयर केसेस में हमको हिंदी भी देखने को मिली है जो बिल्कुल अपने शिशु काल पर थी। बहुत ही प्रिमिटिव हिंदी में भी कुछ रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। अब शुरुआत कर लेते हैं सिद्धों की। सिद्ध साहित्य को समझने से पहले हमको सिद्धों को समझना होगा कि सिद्ध आखिर आए कहाँ से, सिद्ध कौन होते हैं, इनका आविर्भाव कैसे हुआ है और ये क्यों अस्तित्व में आए। आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं पहले। आपने हिस्ट्री में बहुत सारा बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा इसको। बौद्ध धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं हमारे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद, उसके करीब 100 साल के बाद, काफ़ी ज़्यादा सैद्धांतिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे। दो सेक्ट में बौद्ध धर्म बट सा गया था, हालांकि बाद में ऑफिशियली भी बट गया था, लेकिन बहुत सारे सैद्धांतिक मतभेद यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर सैद्धांतिक मतभेद के कारण दो भागों में हमारा बौद्ध धर्म विभक्त होता है। एक होता है महायान
और एक होता है हमारा हीन यान। महायान यहाँ पर बड़े रथों के आरोही बताया गया और हीन यान को यहाँ पर छोटे रथों का आरोही बताया गया। अब इसका क्या मतलब है, छोटे बड़े रथों का आरोही से मतलब है यहाँ पर कि महायान जो है ये व्यवहारिकता की प्रधानता में आ चुका था, और हीन यान पक्ष जो मानता था वो सिद्धांतों को मानता था। किसके सिद्धांतों को? महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को। महायान का मानना था कि अब जो हमारा बौद्ध धर्म है इसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ी सी व्यवहारिकता लाने की ज़रूरत है, और समाज जैसे जैसे बदल रहा है उस हिसाब से हम अपने सिद्धांतों को, यानी कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में भी परिवर्तन लाने का काम करेंगे। लेकिन जो कुछ लोग थे वो अलग अपना पक्ष लेकर के बैठे थे कि नहीं, महात्मा बुद्ध ने जो कह रखा है उनके जो सिद्धांत हैं उसी को हम लोग मानते हुए आगे बढ़ेंगे, जरा भी कुछ अपनी तरफ से अपनी सुविधा के हिसाब से इनमें बदलाव नहीं करेंगे। तो दो पक्ष हुए, दो मत हुए और दो सेक्ट में बट गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान आगे चल के। और महायान जो था ये मानता था कि यहाँ पर हमारे बौद्ध, जो हमारे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का स्थान वो एक भगवान के तौर पर है, महात्मा बुद्ध हमारे इष्ट देव हैं और उनकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पूजा अर्चना के लिए इन्होंने मठों और विहारों का चयन किया, मठों और विहारों का निर्माण आदि किया गया, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति लगाई गई और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं वही चीज़ें होने लगी जो एक नॉर्मल आपको रिलीजन में देखने को मिलेगी, आडंबर वगैरह, पाखंड वगैरह और मूर्ति पूजा वगैरह, ये सब सारी चीज़ों की प्रधानता बढ़ गई। और हीनयान में क्या था, हीनयान मानता था कि महापुरुष हैं हमारे, महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हैं और उनके द्वारा जो भी सिद्धांत बताए गए हैं वो लोक कल्याण में सहायता करते हैं हमको, इस वजह से हम उनको भगवान तो नहीं मानेंगे लेकिन एक महापुरुष मानकर उनके सिद्धांतों पर जीवन पर्यंत चलने का प्रयास करेंगे। तो हीनयान के पक्षधरों ने ये कहा कि जिन लोगों ने वास्तव में बौद्ध धर्म का पालन किया है, बौद्ध धर्म के कड़े सिद्धांतों का पालन किया है, उन्हीं लोगों को आखिर में चल करके निर्वाण प्राप्त होगा और बाकी लोग निर्वाण प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। लेकिन महायान के लोगों का मानना था कि थोड़ी सी व्यवहारिकता इसमें लाएंगे, निर्वाण सबका अधिकार है और सभी को प्राप्त होने का अधिकार है, सभी को मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने मठों में, अपने मॉन्क्स में यहाँ पर स्त्रियों को और गृहस्थ लोगों को भी यहाँ पर अलाउ करना शुरू किया। अब स्त्रियां आने लगी बिहार में तो और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर्षित हुए कि हमको स्त्रियां वगैरह देखने को मिलेंगी, आप जानते हैं सब चीज़ें। तो भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ने लगा और विलासिता में तब्दील हो गया, एक जो बहुत ही कड़े सिद्धांतों वाला धर्म था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुद्धता का वातावरण होता था, वहाँ पर भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ने लगा, मद्यपान होने लगा, जुआ खेले जाने लगा और भी बुरी चीज़ें यहाँ पर होने लगी, और जो निर्वाण का उद्देश्य था वो धीरे धीरे हट गया, निर्वाण की महत्ता, निर्वाण का प्रभुत्व यहाँ से गायब होने लगा। अब निर्वाण का प्रभुत्व गायब हो गया तो लोगों ने कहा कि निर्वाण कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं, निर्वाण को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं तंत्र मंत्रों के माध्यम से। कुछ महायान के पक्षधर ये मानने लगे, यानी कि कुछ महायान के लोगों में से ही लोग आगे आए और कहने लगे कि हम जो है इतने कड़े सिद्धांतों का पालन ना करके भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे, तंत्र मंत्रों के माध्यम से। तो जो लोग ऐसा कहने लगे उन्होंने एक नए तरह के सेक्ट को जन्म दिया, वो है हमारा वज्रयान। वज्रयान से ही हमारे सिद्ध आते हैं, वज्रयान सिद्धांतों का जिस प्रकार से मत प्रचार हुआ है उसी के हिसाब से यहाँ पर सिद्ध साहित्य का जन्म हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि वज्रयान के जो भी सिद्धांत थे उसी वही सारे बताए गए हैं हमारे सिद्ध साहित्य में। आप कह सकते हैं कि वज्रयान शाखा से ही हमारे कुछ सिद्ध निकले हैं। आप जानते हैं कि डिस्टॉर्शन यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा था, तो आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे सिद्धों के बारे में कि कहाँ तक पतोन्मुख हुए ये और कहाँ तक बौद्ध धर्म का इतना पतन हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इस पे भी लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन राहुल सांकृतायन जी का जो ग्रंथ है उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। राहुल सांकृतायन जी के रिसर्च के हिसाब से हमारे 84 सिद्ध हुए हैं भारत देश में, और सभी के नाम के आगे आ हमको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सरहपा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सरहपा हमारे एक सिद्ध है 84 में से। लुईपा है, डोम्बिपा है, कणप्पा है, शबरपा है, जलंधरपा है और कुकुरिपा है। तो जिनमें जितने भी हमने आपको सिद्ध बताए हैं तो ये सारे के नाम के आगे यहाँ पर आ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिद्धों के नाम के आगे आपको आ प्रत्यय यहाँ पर देखने को मिलेगा। 84 सिद्ध हुए हैं लेकिन रचनाएं हमको केवल 23 लोगों की मिलती हैं, उसी के आधार पर हमने जो भी यहाँ पर डिराइव किया है उसी से हम इसको स्टडी करते हैं। तो सिद्ध परंपरा की विशेषताओं को देखते हैं।
हमने आपको पहले लेक्चर के पहले ही मिनट में बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का, उसको समझने का, उसको कलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है तत्कालीन परिस्थितियों को जानना। हमने आपको बताया था किसी भी काल का साहित्य, किसी भी देश का साहित्य वही होता है जैसे उस देशवासियों की प्रवृत्ति होती है एक निश्चित काल समय में, ठीक है? जैसा लोग आचरण करते हैं एक समय पर किसी देश के, वैसा ही उनका साहित्य भी होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये कथन है, हमने आपको पढ़ करके बताया था, अगर आपको याद है तो। तो हमको अगर ये पता चल जाए कि सिद्ध लोग कैसे थे, कैसा आचरण करते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा होता था, उनका धार्मिक जीवन कैसा रहता था, वो दिनचर्या उनकी कैसी रहती थी, ये सब चीज़ें अगर हम पकड़ लें तो हम पता कर पाएंगे कि आखिर उनका साहित्य कैसा रहता होगा। तो सिद्ध परंपराओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। सिद्ध परंपराओं में हमको कुछ बातें जानने को मिलती हैं, जैसे कि सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर विशेष बल दिया है। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ पर गृहस्थ जीवन से आपको निकलना होगा, जैसे बुद्ध निकल आए थे अपना राजपाट वगैरह छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग आए थे, एक वन में गए थे, तब जाकर उनको एकांत में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन सिद्धों के अनुसार हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती अगर हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, हमको पहले तो शादी करनी होगी निर्वाण प्राप्त करने के लिए। सिद्ध समाज ने निर्वाण का पूरा मतलब ही बदल दिया था। निर्वाण के कॉन्सेप्ट को वो अब लेकर के आ गए थे महासुख पर। महासुख का कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए थे कि जो अभी तक महत्ता, जो प्रभुत्व अभी तक निर्वाण का था, हर कोई निर्वाण प्राप्त करना चाहता था महात्मा बुद्ध की तरह, ठीक है, अब प्राप्त करना था हमको महासुख। सिद्धों के अनुसार जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो है महासुख की प्राप्ति। अब महासुख या फिर परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी? महासुख या फिर परम सुख की प्राप्ति होगी भोग के माध्यम से, यानी कि विषयासक्त तो होकर हम परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है कि जीवन में स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करके कभी भी हम लोग परम सुख को हासिल नहीं कर सकते हैं या फिर ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि मानव जो करना चाहता है उसको करना चाहिए। अगर कोई ऐसा सिद्धांत आता है, धार्मिक हो या सामाजिक हो, जो उसको उसके मन का कार्य करने से रोकता है, तो हमको कभी भी ब्रह्म सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कुल मिलाकर अभी तक जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत चल रहे थे उनको बिल्कुल उलट पलट करके रख दिया। जहाँ बौद्ध धर्म में कहा जाता था कि हमको शरीर को कष्ट देना होगा, हमको अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा, हमको वो चीज़ें करनी होगी जो हमारा शरीर अलाउ नहीं करता है, जो हमारा मन कहता है कि ये ना करो, वो चीज़ें हम करेंगे तभी जाकर हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। लेकिन सिद्धों का कहना है कि शरीर को जितना सुख दिया जाएगा उतना ही हम लोग निर्वाण की तरफ, या फिर निर्वाण की जगह वो जो लोग वर्ड लाए थे महासुख की तरफ बढ़ सकते हैं। शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र और परम तीर्थ बताया है। जैसे बुद्ध धर्म ने बताया था कि शरीर बिल्कुल व्यर्थ है, शरीर का कोई महत्व नहीं है, आत्मा शरीर अलग अलग हैं, इनके अनुसार शरीर में ही आत्मा है, शरीर की प्रधानता है आत्मा की नहीं है। शरीर को जितना सुख मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा, इनके अनुसार ये बताया गया है। यानी अगर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो शरीर को सुख देना होगा, उसके लिए अपनी इच्छाओं को दमन नहीं करना होगा। हमारा शरीर, हमारा मन जो करने को कह रहा है वही हम करते चलेंगे तो हम ब्रह्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। अब ये जो भी कॉन्सेप्ट था आप देखना इसको, और सिद्ध साहित्य की विशेषताएं पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? अब हम समझ गए ये बिल्कुल भोग विलासी जीव हैं सिद्ध। अब इनके साहित्य में भी वही चीज़ें दिखेंगी जो ये लोग आम जीवन में करते आ रहे हैं, ठीक है? तो जैसा इनका जीवन रहा है, इन्होंने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास जताया है, वही दृढ़ विश्वास इनकी साहित्यिक रचनाओं में भी दिखता है। उन्होंने कहा है अपनी साहित्यिक रचनाओं में कि जो अन्य धर्म के अनुयायी जो हैं बहुत सारे जीवन पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करनी है, परम सुख की अनुभूति करनी है, या फिर लिटरली निर्वाण प्राप्त करना है, तो आपको कनक कामिनी से दूर रहना होगा। कनक के यहाँ पर मतलब होता है सोना, ये एक अनेकार्थी शब्द है हमारा। कनक के दो तीन मतलब होते हैं, जैसे सोना होता है, धतूरा होता है और गेहूं भी होता है, ठीक है? हमने आपको बताया था व्याकरण वाले वीडियोस में। और कामिनी का यहाँ पर मतलब स्त्री से रखा गया है, ठीक है? तो कनक कामिनी को यहाँ पर दूर रहने के लिए बताया था अन्य धर्म के लोगों ने, और सिद्ध जिस अन्य धर्म की बात कर रहा है वो बौद्ध धर्मी है यहाँ पर। तो अब सिद्धों का कहना है कि बौद्ध धर्म जो है बिल्कुल गलत था, हमको परम सुख अगर प्राप्त करना है तो हमको कनक कामिनी की बेहद ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें भी प्रधानता रहेगी कामिनी की, यानी कि स्त्री की। परम सुख की प्राप्ति सिद्धों के अनुसार क्या है?
सेक्सुअल इंटरकोर्स, एकदम मैं क्लियरली एक्सप्लिसिटली आपको बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से स्त्री और पुरुष के मिलन को यहाँ पर बताया है महासुख की स्थिति। स्त्री और पुरुष के मिलन से ही महासुख की प्राप्ति होगी दोनों को, ये इन्होंने बताया है। यहाँ पर प्रज्ञा बताया गया है स्त्री को और करुणा बताया गया है पुरुष को, और जब दोनों मिलते हैं तभी महासुख की स्थिति बन पाती है। तो ये अब आप समझ पाए होंगे इसमें। तो अभी आप यहाँ पर कलुषता का अंदाज़ा लगा पाए होंगे, जो बौद्ध धर्म की जो विकृति है, जो कलुषता बढ़ चुकी है, उसका अंदाज़ा अभी तक आपको लग चुका होगा यहाँ पर सिद्ध लोगों में। तो सिद्ध समाज के साहित्य में एक चीज़ और देखने को मिलती है, यहाँ पर गुरु महिमा का प्रतिपादन हुआ है साहित्यिक रचनाओं में, यानी कि साहित्यिक रचनाओं में गुरु का स्थान काफ़ी ऊंचा यहाँ पर बताया गया है। साहित्यिक रचनाओं में गुरु का स्थान वेद शास्त्रों से भी ऊंचा बताया गया है। इनके अनुसार जिसने गुरु उपदेश का अमृत नहीं पिया है वो शास्त्रों की मरुभूमि में प्यासा मर जाएगा। मरुभूमि का मतलब यहाँ पर रेगिस्तान है। इनका कहने का मतलब है कि आप जितना भी वेद शास्त्रों को चाट लीजिए, जितना भी उसको पढ़िए, अगर आपके पास गुरु अमृत या फिर कह सकते हैं गुरु का आशीर्वाद, गुरु के उपदेश नहीं है, तो आपके लिए वो सारे वेद शास्त्र एक रेगिस्तान के समान है और आप उसमें घूम घूम पर प्यास से मर जाएंगे, लेकिन आपके ज्ञान की प्यास नहीं बुझेगी। और इनके अनुसार जो सहज आनंद की हमने बात की है, जो स्त्री और पुरुष के मिलन के माध्यम से मिलेगी, उसके लिए भी यहाँ पर गुरु की कृपा आवश्यक है। गुरु की कृपा अगर नहीं होगी तो आप जितना भी चाहे कर लीजिए, आपको यहाँ पर सहज आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इनके साहित्य की विशेषता नंबर 3 है बाह्य आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना। इन्होंने आलोचना की है ऊंच नीच जाति के भेदभाव की, इन्होंने आलोचना की है मूर्ति पूजा की, इन्होंने आलोचना की है ब्राह्मणों की, ब्राह्मण समाज की। इन्होंने कहा है कि अगर ब्राह्मण को हम लोग क्यों मानते हैं, ब्राह्मण को इन्होंने कहा है कि उसके ज्ञान की वजह से मानते हैं, तो अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति, निचली जाति का व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको ब्राह्मण जितना दर्जा क्यों नहीं देते हैं। तो ये उनकी साहित्यिक रचनाओं में कहीं कहीं दिखता है, किस साहित्यिक रचना में दिखता है ये मैंने नहीं लिखा है और ना ही आपको याद रखना है। बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हमारे शरीर में ही वो चीज़ मौजूद है जिससे परम सुख की प्राप्ति की जा सकती है, इस वजह से हमको किसी भी देव को प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी भी वेद शास्त्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर में ही ब्रह्म है, हमारे शरीर में ही परम सुख मौजूद है, बस उसको प्राप्त करने की देर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके साहित्य में भी दिखती हैं। अब तत्कालीन जीवन का आशावादी संसार इनके साहित्य में दिखता है। कहने का मतलब है जो अभी तक राजाओं का खेल चल रहा था, राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे, हारते थे, जो राजा हारता था वो बहुत बुरी स्थिति में आ जाता था, उसका राज बहुत बुरी स्थिति में आ जाता था, और इवेंचुअली वहाँ रहने वाली जनता की स्थिति भी बहुत बुरी हो जाती थी। लेकिन अभी जो इन लोगों ने मार्ग बताया था परम सुख का, इसके अनुसार कोई चाहे मर जाए, कोई मिट जाए, आपको परम सुख की प्राप्ति करनी है। ठीक है, आपको दूसरे से मतलब नहीं है, आपका अपना सुख और आनंद आपका पर्सनल मोटिव होना चाहिए। मतलब आपका देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो आपको मतलब नहीं रखना है, आपको केवल अपने सुख से मतलब रखना है। ठीक है, तो एक तरह से कुछ लोगों ने इसको सही बताया, क्योंकि लगातार राजा हारते जीतते थे और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती थी वहाँ की जनता की। लेकिन अब सिद्ध साहित्य ने, सिद्ध समाज ने अपने उपदेशों में कहा है कि आपको इतना ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपने से मतलब रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आशावादी संसार का सृजन किया इनके साहित्य ने, और ये इतना खैर जरूरी नहीं था ये प्रसंग। रहस्यात्मक अनुभूतियों का वर्णन रूपकों के माध्यम से इन्होंने किया है। ठीक है, अब जैसे परम सुख की प्राप्ति होती है उसको साहित्य में कैसे दिखाएंगे, उसको पेपर पर कैसे दिखाएंगे, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे रूपकों का प्रयोग किया है। ठीक है, रूपक जैसे आए हैं, जैसे इन्होंने पेनिस को दिखाया है एक कमल के पुष्प के माध्यम से, ऐसा करके एक फूल के माध्यम से दिखाया है, और ह्यूमन वजाइना को भी दिखाया है एक अलग तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। श्रृंगार रस और शांत रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हम परम सुख की प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नायक एक नायिका, यानी कि एक स्त्री एक पुरुष होगा। अब यहाँ पर साहित्य में इसको कैसे दिखाएंगे, साहित्य में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हमको अच्छाई दिखाने के लिए, यहाँ पर नेचर का वो सब दिखाने के लिए बैकग्राउंड यहाँ पर श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। रस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत डीप में आपको ये सब चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है इनके साहित्य में, क्या दिखाने के लिए, नायक नायिका का प्रेम दिखाने के लिए। और श्रृंगार रस में भी इन्होंने ज़्यादातर संयोग रस का ही प्रयोग किया है, ज़्यादातर वियोग रस से ये लोग बचे हैं, क्योंकि वियोग रस में दुख का
प्रतीक होता है और ये लोग दुख से दूर रहना चाहते हैं। इनका मोटिव है सुख, सुख शांति प्लेजर जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की कैटेगरी में भी इन्होंने संयोग रस को ज़्यादा दिखाया है, वियोग रस का प्रयोग बहुत कम कम हुआ है, छंदों का प्रयोग। यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जो सिद्ध साहित्य है उसमें छंदों का प्रयोग कैसा हुआ है, या फिर छंदों का प्रयोग हुआ है या फिर नहीं। तो अधिकांश रचनाएं जो हैं वो चर्या गीतों के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन आप देखोगे कि इन्होंने छंदों का काफ़ी प्रयोग किया है, इन्होंने दोहा का प्रयोग किया है, चौपाइयों का प्रयोग किया है, सोरठा उल्लाला वगैरह का प्रयोग किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने छंदों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब जनभाषा का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, पिछली वाली चीज़ों से भले ही ना बने। तो जनभाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, और किसने कहा है कि इन्होंने जनभाषा का प्रयोग किया है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। श्री हजारी प्रसाद हरिप्रसाद शास्त्री जी ने कहा है कि सिद्ध साहित्य लिखा गया है संध्या भाषा में। अब संध्या भाषा का कॉन्सेप्ट क्या है, संध्या का यहाँ पर मतलब सांझ से है, यानी कि शाम से। इनकी भाषा को सांझ के समान इस वजह से बताया गया है क्योंकि इनकी भाषा सांझ के समान अस्पष्ट है। जैसे आप देखते हैं कि सांझ के समय हमको पूरा नहीं दिखता है, ठीक है, रात के समय जैसे कुछ भी नहीं दिखता है बिना लाइट के, और दिन के समय सब कुछ दिखता है, सांझ के समय हमको चीज़ें अस्पष्ट दिखती हैं। तो उसी प्रकार से इनकी भाषा को भी हरिप्रसाद शास्त्री जी ने अस्पष्ट बताया है, यानी कि हमको एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है कि ये लोग किस ओर जा रहे हैं, ये लोग संस्कृत में लिख रहे हैं, ये लोग अपभ्रंश अवहट्ट में लिख रहे हैं, या फिर ये लोग शिशुकालीन हिंदी में लिख रहे हैं, ये लोग कुछ भी लिख रहे थे जो कि काफ़ी अस्पष्ट था, ठीक है। तो ये एक बार पूछा गया था कि बताइए सिद्ध लोगों ने अपनी साहित्यिक रचना संध्या भाषा में लिखी है, ये चीज़ किसने बताई थी, हरिप्रसाद शास्त्री जी ने, ठीक है, ध्यान रखें इसको। देखो यहाँ पर संध्या भाषा तो हमने बता दिया है, लेकिन आपसे जनरली पूछे किस भाषा में है, तो ये थोड़ी संस्कृत भाषा में है शुरुआत में, और बाद में अपभ्रंश में इनका साहित्य लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब हम नाथ पर आ जाते हैं, हमने सिद्ध साहित्य को देख लिया है, सिद्ध साहित्य में हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं आप इसको ध्यान रखना। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने यहाँ पर किसी भी कवि की रचना के बारे में आपको नहीं बताया है, क्योंकि ना आपको याद रखना है इसमें, हमको इनके सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना होता है, इससे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इनमें किसी भी ऐसे कवि की रचना का नाम आपको नहीं ध्यान रखना है, ना ही कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सिद्ध साहित्य को हमने ख़त्म किया, अब आ जाते हैं हम लोग नाथ साहित्य पर। नाथ साहित्य में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, नाथ संप्रदाय का जन्म कैसे हुआ, इसका आविर्भाव कैसे हुआ, इसको देखेंगे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत क्या हैं, जैसे सिद्धांत हमने देखे थे कि सिद्ध संप्रदाय के क्या हैं, उसी प्रकार से नाथ संप्रदाय के क्या हैं इसको देखेंगे। नाथ संप्रदाय का धर्म और मान्यताएँ क्या हैं, ठीक है, मान्यताएँ दो बार लिख गया है। नाथ साहित्य की विशेषताएँ क्या हैं और उनका महत्व क्या है साहित्य में, ये चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नाथों के बारे में अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो ये है कि जिस प्रकार सिद्ध आए थे वज्रयान शाखा से ही, महायान की वज्रयान शाखा से सिद्ध आए थे, उसी वज्रयान शाखा से आविर्भाव होता है नाथों का भी, लेकिन नाथ संप्रदाय बिल्कुल अलग है, उनके विचार उनसे बिल्कुल अलग हैं, अपोजिट हैं, अपसाइड डाउन है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हिंदी साहित्य में आई विकृतियों के कारण नाथ साहित्य का जन्म हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है जन्म आप जान चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकृत, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था हमारा सिद्धों का जो धर्म था, ठीक है। तो सिद्धों की योग साधना बिल्कुल मैथुन में तब्दील हो चुकी थी, ठीक है। आप जान रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ होगा, बिल्कुल विचारहीन, सिद्धांतहीन हो चुकी थी, और केवल लोग उसी विषयासक्त चीज़ पर लगे हुए थे जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसी पर विचार हो रहा था, लोग विषय आसक्त हो चुके थे और अपने आचरण को भूल चुके थे। योग साधना के नाम पर भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण और कलुषित समाज देखने को मिल रहा था आपको। लेकिन नाथ संप्रदाय जब आता है तो इन्होंने एक नई थ्योरी दी है योग साधना की, इनके अनुसार योग साधना वो बिल्कुल नहीं है जो सिद्धों ने बताई थी, इनके अनुसार योग साधना एक स्वस्थ आचरण है। इन्होंने इस स्वस्थ आचरण को अपनाया और आदिकालीन धार्मिक जीवन में जो भी भ्रष्टाचार कुरीतियाँ लाई गई थी सिद्धों के द्वारा, इनको एलिमिनेट करने का प्रयास किया। अब नाथ संप्रदाय के अनुसार उनके जो प्रवर्तक हैं, यानी कि नाथ संप्रदाय के जन्मदाता, नाथों के अनुसार स्वयं आदिनाथ हैं, यानी कि हमारे शिव भगवान। लेकिन आपको बताएं, अगर लॉजिकली बात करें तो शिव भगवान नहीं हो सकते हैं, ये उनका अपना मत है नाथ लोगों का, लेकिन नाथ संप्रदाय के मतों को सुव्यवस्थित करने का श्रेय लॉजिकली जाता है गोरखनाथ को, और ऐसा राहुल सांक्रदायन जी ने बताया है। आपको बता दें सिद्ध और नाथों के बारे में जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो राहुल सांक्रदायन जी के नज़रिए से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ना मेरा इंटरप्रिटेशन है ना किसी का, जो भी चीज़ हमको मिली है नाथों और सिद्धों के बारे में वो पूरी तरह से राहुल सांक्रदायन जी के अध्ययन पर आधारित है।
हालांकि इस संप्रदाय का जन्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ है, जैसे हमने आपको बताया। गोरखनाथ जी को इसे सिद्ध संप्रदाय से अलग करने का श्रेय जाता है। गोरखनाथ जी ने सिद्धों से बिल्कुल अलग कर दिया था अपने संप्रदाय को और कहा था कि हमारे सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। नाथ के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो नाथ के अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले नाथ है क्या, फिर जानते हैं इनका सिद्धांत क्या है, इनका सामाजिक जीवन कैसा था और कैसे ये अलग है सिद्धों से। ठीक है, तो नाथ का यहाँ पर कुछ अर्थ निकल करके आया है, अलग अलग विद्वानों ने समझा है इसको। नाथ का कुछ लोगों ने अर्थ बताया है, ना से बनता है हमारा अनादि रूप और था से बनता है भू अन्यत्र में जन्म लेने वाला। ठीक है, और दूसरों ने बताया मतलब नाथ का पहला है ना, यानी कि वह तत्व जो मोक्ष प्रदान करता हो, और था यानी कि जो अज्ञान को नष्ट करने का काम करता हो और ज्ञान की ओर हमको उन्मुख करता है। तो ये दूसरा वाला ज़्यादा एक्सेप्टेड है और हमारे नाथ लोगों के अनुसार यही वाला हम मानेंगे कि ये मतलब होता है नाथ का, यानी कि नाथ वह है, नाथ वह तत्व है, नाथ एक ब्रह्म तत्व है जो हमको मोक्ष प्रदान करता है और हमारे अज्ञान का शमन करता है। तो नाथ साधक होते थे, ठीक है, जिस प्रकार से सिद्ध होते थे सिद्ध साधक होते थे, उसी प्रकार से नाथ साधक होते थे जिनको एक नाम दिया जाता था योगी, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी एक योगी हैं। तो योगी लोग होते थे, वो लोग साधना करते थे, वो लोग साधना करते थे नाथ को प्राप्त करने के लिए। नाथ एक ब्रह्म तत्व है, इसको प्राप्त करने के लिए साधना करते थे, तपस्या करते थे। ठीक है, अब नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि तपस्या क्यों होती थी, क्या प्राप्त करने के लिए होती थी। नाथ संप्रदाय के लोगों ने भोग तिरस्कार किया है, यानी कि सिद्धों के अनुसार परम सुख की प्राप्ति भोग के अनुसार हो सकती थी, भोग को आधार बना करके हो सकती थी, लेकिन नाथ संप्रदाय के अनुसार अगर हमको ब्रह्म तत्व यानी कि नाथ चाहिए तो हमको भोग का तिरस्कार करना होगा। हमको वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है जो हमारे शरीर को अच्छी लगती हैं, हमारे मन को अच्छी लगती हैं। इंद्रिय संयम मनोसाधना यहाँ पर बताया गया है, प्राण साधना बताया गया है, कुंडलिनी जागरण बताया गया है। ठीक है, इन दोनों इन चारों चीज़ों को आप एक स्टेज वाइज रखेंगे, यानी कि अगर किसी योगी को नाथ को प्राप्त करना है ब्रह्म तत्व को, तो सबसे पहला स्टेज है यहाँ पर भोग तिरस्कार, यानी कि आपको जो भी चीज़ें पसंद है उनको आप छोड़ें। इंद्रिय संयम मनोसाधना यानी कि आप के जो भी विचार हैं, जो भी आपकी इंद्रियां आपसे करवाती हैं, उस पर आपका कंट्रोल हो। ठीक है, इंद्रियों का कंट्रोल आप पर ना हो, आपका कंट्रोल अपनी इंद्रियों पर हो, अपनी इच्छाओं पर हो। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर प्राण साधना, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और प्राण साधना के माध्यम से हम लोग कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडलिनी क्या है, इसका जागरण कैसे होता है, ये भी अभी आपको बताते हैं। तो इन चार स्टेजेस में योग साधना होती है और जो भी योगी इन चारों स्टेजेस से गुजर जाता है वो नाथ बन जाता है और फिर वो अपने नाम के आगे नाथ लगाने लगता है। ठीक है, अब नाथ संप्रदाय के योगियों की कुछ विशेष चीज़ें होती थी, जैसे उनके हाथ में कमंडल होता था, गले में रुद्राक्ष माला पहनते थे और जटा रखते थे अपने सर के ऊपर, शरीर में राख लगाते थे और कंधे पर व्याघ्र चर्म पहनते थे। जैसे आपने अगर शिव जी का कुछ इमेजेस देखी होंगी तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि शिव जी जैसा पहनते थे वैसे ही यहाँ पर नाथ संप्रदाय के लोग पहनते थे। कान में यहाँ पर कुंडल रखते थे, कुंडल बहुत सारी चीज़ों के बने हो सकते थे, मिट्टी के बने हो सकते थे, हिरण की सींग के बने होते थे और यहाँ पर किसी भी धातु के बने हो सकते थे। कान को लकड़ी से चीर करके कुंडल पहनाए जाते थे जो लोग योगी बनने के लिए आते थे। नाथ संप्रदाय के लोगों ने इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया है। ठीक है, तो इंद्रिय निग्रह क्या है, हम इसको समझाते हैं आपको। सबसे पहले आप निग्रह समझिए, निग्रह का क्या मतलब होता है। निग्रह का अगर आप इंग्लिश इक्वेलेंट लेंगे तो इसका मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, निग्रह के कई सारे मतलब होते हैं। निग्रह का मतलब होता है दमन करना, यानी कि आपकी इंद्रियां, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनका दमन आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इंद्रिय निग्रह यहाँ पर काफ़ी आवश्यक है नाथ बनने के लिए किसी योगी को। और इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी को बताया है इन लोगों ने, अपने साहित्य में भी इन्होंने बताया है कि नारी यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण है इंद्रिय का और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी साधना में कह सकते हैं रुकावट बन सकता है। इस वजह से इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको दूर रहना है। तो आप देख रहे होंगे लगातार कि सिद्धों से इनकी मान्यताएँ बिल्कुल अलग हैं। नाथ संप्रदाय के लोगों की साधना हठ योग पर आधारित है। इस हठ योग को मैं समझाता हूँ और हठ योग से अभी आप देखोगे क्वेश्चन आया था हमारी एलटी ग्रेड की परीक्षा में, जो हिंदी का पेपर है उसमें प्रश्न पूछा गया था, हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र बतलाया गया है, ये हमको लगाना था ऑप्शन में से। ठीक है, हठ योग पर आधारित हमको चार स्टेटमेंट दी हुई थी और हमको सही वाली चूज करनी थी। आप अगर आप अपियर हुए हैं हिंदी
वाले पेपर में एल्टीग्रेड 2018 में, तो आपको आपने ये प्रश्न देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हठ योग का क्या मतलब है, यहाँ पर हठ को एक्सप्लेन किया गया है। हठ में हा को यहाँ पर सूर्य बताया गया है और ठा को यहाँ पर चंद्र बतलाया गया है। अब हठ योग को समझने से पहले आप एक पद्धति को समझिए, एक प्रोसेस को समझिए। नाथ लोगों के अनुसार, या फिर कह सकते हैं हठ पद्धति के अनुसार, शरीर के मस्तिष्क में 6 चक्र होते हैं, 3 नाड़ी होती हैं। 3 नाड़ी कौन सी हैं? एक है ईड़ा, एक है पिंगला और एक है सुषुम्ना। बहुत ध्यान से सुनना, 6 चक्र, 3 नाड़ी, नाड़ी का नाम है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है। अब सूर्य यहाँ पर ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है, चंद्र यहाँ पर पिंगला नाड़ी का प्रतीक है और सुषुम्ना यहाँ पर हमारी कोई प्रतीक नहीं है, ठीक है। अब इस पद्धति के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें कुंडलिनी और प्राण शक्ति, ये दो शक्ति निहित होती हैं उसमें। प्राण शक्ति मौजूद रहती है, प्राण शक्ति दिखती है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जो है ये सुषुप्त रूप में विद्यमान रहती है मनुष्य में, यानी कि मनुष्य के अंदर तो है लेकिन मनुष्य इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए साधना करनी पड़ती है। तो जो लोग योगी होते हैं वो नाथ हासिल करने के लिए, नाथ हमने बताया ब्रह्म तत्व को हासिल करने के लिए साधना करते हैं। साधना की जाती है प्राणायाम के माध्यम से, ठीक है। प्राणायाम यहाँ पर प्रोसेस होती है और इस प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जगाया जा सकता है, ठीक है। कैसे जगाया जाता है अभी बताते हैं आपको। प्राणायाम के दौरान हम ईड़ा को और पिंगला नामक श्वास मार्गों को रोक सकते हैं, यानी कि जो भी साधक होगा प्राणायाम में अगर निपुण हो चुका है तो वो ऐसा कर सकता है, ईड़ा नाड़ी को और पिंगला नाड़ी पर कंट्रोल करके श्वास मार्गों को रोक सकता है। और इसी माध्यम से, मतलब जब ये दो मार्ग रुक जाएंगे तभी सुषुम्ना का द्वार खुलता है। वैसे सुषुम्ना भी यहाँ पर सुषुप्त रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन जब ईड़ा और पिंगला बंद कर दी जाती हैं योगी के द्वारा, तब यहाँ पर सुषुम्ना खुल जाती है। सुषुम्ना का द्वार जब खुलता है तो इसी के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति पहुँचती है, जागृत होती है, मस्तिष्क के 6 चक्रों को पार करके 0 चक्र तक पहुँचती है। और जब कुंडलिनी शक्ति 0 चक्र तक पहुँचती है और तभी यहाँ पर जीवात्मा को पहुँचा देती है वहाँ तक, और परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है योगी को। कह सकते हैं ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो जाती है और यही कह सकते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है नाथ संप्रदाय की इस हठ योग पद्धति के अनुसार, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं ब्रीफली समझा देता हूँ। दो यहाँ पर नाड़ी, ईड़ा और पिंगला, ठीक है, इनको यहाँ पर साधक रोक लेगा श्वास मार्गों को, इनके माध्यम से श्वास मार्गों को रोक लेगा। और जब श्वास मार्गों को रोक लेगा तो सुषुम्ना का द्वार खुल जाएगा जो हमारी तीसरी नाड़ी होती है। तीसरी नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति आती है मानव मस्तिष्क के 6 चक्रों को पार करके 0 चक्र तक जब पहुंचती है तो यहाँ पर जीवात्मा का मिलन होता है ब्रह्म तत्व से। योगी को ब्रह्म तत्व उसका प्राप्त हो जाता है। योगी ने ब्रह्म तत्व को नाथ नाम दिया है और योगी अब नाथ तत्व को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि हमको अगर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है तो हमको थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देना होगा, जो कि बिल्कुल उलट है सिद्धांत के अनुसार, जो सिद्धांत सिद्धों ने बताया है, ठीक है। तो ये सब चीजें रही नाथ के बारे में। अब नाथ साहित्य के बारे में देख लेते हैं। नाथ साहित्य वही रहेगा जैसे उनका जीवन है, तो बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर रिलेटेड ही हैं। नाथ साहित्य में चित्त शुद्धि और सदाचार पर विश्वास जताया गया है, यानी कि जैसे चित्त को शुद्ध रखना है, नारी से दूर रहना है और साधना करनी है और प्राणायाम के माध्यम से साधना करनी है, यही सब चीज़ें आपको साहित्य में भी देखने को मिलेंगी। सिद्धों के द्वारा धर्म और समाज में जो कुरीतियाँ फैलाई गई थी उनको दूर करने का प्रयास इन्होंने किया है। अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने पब्लिक को नैतिक आचरण करने का संदेश दिया है और मादक पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया है, स्त्रियों से दूर रहने का संदेश दिया है, शीलवान विचारवान बनने का उपदेश दिया है इन्होंने, ठीक है। और परंपरागत रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का यहाँ पर विरोध किया गया है, यानी कि इन्होंने भी सिद्धों की भांति मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ये चीज़ कॉमन है सिद्धों में और नाथों में, दोनों ने ही यहाँ पर मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। इन्होंने बताया है कि ब्राह्मण ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, सब लोग बराबर होते हैं और वेद पुराण पढ़ना यहाँ पर निषेध होना चाहिए क्योंकि वेद पुराण से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब ऐसे समझो जैसे सिद्धों ने कहा था कि हम शरीर के माध्यम से परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी प्रकार आपने देखा हठ योग के माध्यम से यहाँ पर
नाथों ने कहा है कि वो लोग परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, तो कहीं भी यहाँ पर हमको एक मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम उसकी पूजा अर्चना करें तभी हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान हमारे अंदर ही है, कैसे हम ढूंढेंगे ये महत्वपूर्ण है। अब सिद्धों ने कहा है हम उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, और नाथों ने कहा है कि नहीं, हम हठ योग के माध्यम से इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ और अनकॉमन चीज़ यहाँ पर स्पॉट करते जाना। कॉमन चीज़ क्या रही यहाँ पर, परंपरागत रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का यहाँ पर दोनों ही समाजों ने विरोध किया है, चाहे सिद्ध समाज हो चाहे नाथ समाज हो। नाथ साहित्य में गुरु को सर्वोपरि माना है, ये चीज़ कॉमन रहेगी सिद्धों और नाथों में। ठीक है, गुरुओं को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है सिद्धों ने भी और नाथों ने भी, इनको सर्वोपरि रखा है। वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण और त्रिविध साधना गुरु ज्ञान से ही संभव हो पाती है। अब आपने देखा हमने हठ योग के बारे में बताया, तो यहाँ पर नाथों ने कहा है कि हठ योग करना इतना आसान नहीं है, जब तक हमको गुरु से ज्ञान नहीं मिलेगा उसके बारे में, वैराग्य भाव का दृढ़ीकरण नहीं हो पाएगा तब तक हम लोग हठ योग नहीं कर सकते हैं। यानी कि वैराग्य भाव हमारे मन में लाने का काम करेगा हमारा गुरु, तो गुरु यहाँ पर आवश्यक है। गुरु ही यहाँ पर आत्म ब्रह्म से अवगत हमको कराते हैं ऐसा कहा गया है। यानी कि हठ योग हमको कौन सिखाएगा, गुरु सिखाएगा। अब उल्टा वासियाँ, ये एक विशेष तरह की शैली आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर नाथ साहित्य में, और एक बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उल्टा वासियाँ हमको किस साहित्य में देखने को मिलेगा, या फिर उल्टा वासियाँ किस साहित्य की विशेषता है, ये नाथ साहित्य की विशेषता है। ठीक है, उल्टा वासियाँ है क्या भला, जैसे हमने साधना के बारे में आपको बताया कि नाथ संप्रदाय के लोग क्या करते थे, साधना करते थे। साधना क्यों करते थे, अपने इंद्रिय निग्रह के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं का दमन करने के लिए, अपनी इंद्रियों का दमन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। तो इन्होंने कहा है कि हमारे मन की प्रवृत्ति होती है, मानव की प्रवृत्ति होती है कि वो बाह्य आडंबरों पर आकर्षित होता है, या फिर बाहर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसकी तरफ उसका मन जाता है। हम साधना के माध्यम से उस मन को, बाहर जाने वाले मन को खींच कर दोबारा अंतः जगत की ओर उन्मुख कर देते हैं, इसको हम लोग उल्टा वासियां कहते हैं। यानी कि जिस साधना के माध्यम से हम अपने बाहर जाते हुए मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, बाहरी जगत की ओर आकर्षित होते हुए मन को वापस खींच कर अंतः जगत की ओर लेकर के आते हैं, उसके लक्ष्य को ब्रह्म तत्व की तरफ उन्मुख करते हैं, और उसको हम लोग उल्टा वासियां कहते हैं। और साहित्य की दृष्टि से देखें तो उल्टा वासियां वो चीज़ है, साधना को अगर हमको पेपर पर बताना है कि साधना नाथ लोग ऐसे करते हैं तो वो वहाँ पर उल्टा वासियां हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है। बगला यहाँ पर है इनकी भाषा के बारे में, इनकी भाषा के बारे में कमेंट्स बेहद ज़रूरी हैं, इनकी भाषा के बारे में विद्वानों ने क्या सोचा है ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हरिप्रसाद जी ने कहा था कि वहाँ पर संधा भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी कि अस्पष्ट भाषा का, यहाँ पर विद्वानों ने कहा है, विद्वानों का नाम हम लेंगे यहाँ पर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये काफ़ी परिष्कृत भाषा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ली जी ने इसको कहा है कि जिस प्रकार जो कुरीतियाँ आ गई थी समाज में उसको सही करने का काम किया, समाज को परिष्कृत करने का काम किया, नाथ लोगों ने उसी प्रकार से, नाथों का साहित्य, उनकी भाषा भी परिष्कृत है, नई है, पॉलिश्ड है कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छी है, तो अच्छा करने का काम किया है नाथ साहित्य ने। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा अवस्थित हुई और विकृत करने वाली समस्त रूढ़िगत परंपराओं पर आघात भी किया गया है यहाँ पर नाथों के द्वारा। यानी कि एक तरफ ये सिद्ध किया गया कि हाँ, ईश्वर से मिलन हमारा कैसे होगा, वो हठ योग के माध्यम से होगा, और ईश्वर से मिलने के लिए हमको किसी भी प्रकार की विकृति की ज़रूरत नहीं है, भ्रष्ट आचरण करने की ज़रूरत है नहीं, तंत्र मंत्रों का उपयोग करने की ज़रूरत है नहीं ईश्वर से मिलन के लिए, ये चीज़ है यहाँ पर। और भाषा शैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खड़ी बोली का इस्तेमाल हुआ है कह सकते हैं, अगर एक एक शब्द में बोलें तो खड़ी बोली का इस्तेमाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रचनाएं कुछ कुछ खड़ी बोली में मिलती हैं, और भाषा यहाँ पर परिष्कृत है, जनभाषा होने के बावजूद यहाँ पर काफ़ी अच्छी भाषा आपको देखने को मिलती है और स्पष्ट देखने को मिलती है, जो कि सिद्ध साहित्य में हमको नहीं देखने को मिली थी। तो हम ये सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे, जैन साहित्य पर बात करेंगे, और जितनी भी चीज़ें आदिकालीन साहित्य में बची हुई हैं वो अगले एक लेक्चर में फिनिश करेंगे, फिर हम लोग आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। तो सेशन को बंद करते हैं, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।